हम तीन लोग घर से जाएंगे ना तो घर में बड़ी शांति हो जाएगी। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब कह रहे हैं फेंडी पहली बार दुबई जा रही है। ओके मम्मी बाय, ज्यादा हमको मिस मत करना, तीनों साथ इकट्ठे रहना। ओके आते साथ इस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया यार, सबसे ज्यादा अरीफ को मिस कर रही हूँ। यार आज का दिन कोई बहुत ही खूबसूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने एक व्लॉग खत्म किया और मैं अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। आपने पिछला व्लॉग देखा होगा जब मैं शॉपिंग करने गई, जब हमने कहा था कि यार कल का पूरा दिन सैलॉन जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन हमें वो चीज रास ही नहीं आई है क्योंकि जो टिकट थी वो टीम वालों ने फॉरन करा दी और उन्होंने टिकट भेजी थी एंड आई थॉट ये कल रात 1 बजे की है। और अभी जब मैंने उसको ओपन करके देखा है आई कम टू नो दैट कि वो कल रात 1 बजे की नहीं बल्कि अभी जब हम सो के सुबह 1 बजे की है, मतलब सुबह उठना 10 बजे हम लोगों को यहाँ वहां एयरपोर्ट पहुंचना होगा, 11-12 बजे हम लोग वहां से निकल जाएंगे, तो इट विल बी वेरी हैक्टिक फॉर अस। मुझे था सुबह पूरा दिन होगा काम करने को, पैकिंग करने को, तो इसीलिए हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम जो है वो काफी कम है और कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत कंफ्यूज भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार हम तीनों बहनें एक साथ में ट्रिप करेंगे, साथ में शूट करेंगे, बहुत ही एक्साइटमेंट का लेवल तो यहाँ पे होने वाला है। बट फैमिली को बहुत मिस करूंगी, स्पेशली मामा पापा राबिया ज़ैनब वो तो यहाँ, एंड स्पेशली माई हस्बैंड, माई हैंडसम हस्बैंड, उसको भी बहुत मिस करूंगी मैं क्योंकि वैसे तो हम रोज मिल रहे होते थे तो यू नो। तो अब करते हैं हम लोग अपनी पैकिंग चेकिंग। लेकिन आप लोगों ने अगर मेरा चैनल ही ना सब्सक्राइब किया तो यार सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे वाले व्लॉग्स तो कोई बड़े ही भयंकर, बड़े ही हैरत अंगेज, बड़े खूबसूरत होने वाले। चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ सारी ड्यूटी आप लोगों ने पूरी करके डन कमेंट कर देना, ठीक है जी। एंड मुझे कमेंट करना है कि मैं कहां कहां क्या क्या करूं, क्या क्या हम लोग एक्सप्लोर करें। खैर ट्रिप तो बहुत शॉर्ट है क्योंकि आगे मेरी शादी है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी वापस आ जाएं, जैसे ही काम खत्म हो वैसे ही आ जाएं, बट फिर भी अगर कोई जुगाड़ लगा घूमने फिरने का तो घूम लेंगे, आपको भी घुमा देंगे साथ में। तो मैं नीचे जाके जरा सूरत हाल देखती हूँ क्योंकि उनको, उन पर भी ये जो न्यूज है वो ब्रेक हो चुकी है कि टिकट जो है वो सुबह 1 बजे की है, तो देखते हैं कि क्या सूट क्या है। लेट्स गो। पैकिंग नहीं कर रही, पैकिंग नहीं कर रही हो तुम? करती हूँ अभी उठ के। फातिमा टाइम नहीं है, ये मत समझना कि कल का 1 बजे है, ये एक भूल होती है। हाँ जी सुबह 10 पापा का तुम्हें पता ना टाइम टेबल का। हम तीन लोग घर से जाएंगे ना तो घर में बड़ी शांति हो जाएगी, बड़ा सुकून हो जाएगा। और मम्मा को तो वैसे ही बड़ा स्पेस मिलेगी ना, कोई मम्मी नाश्ता बोलेगा। अरे अल्लाह अम्मी अबू को डिंगी 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 वहाँ पे, खैर हमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम दुबई जा रहे हैं, वहाँ हमारे चाचू होते हैं, तो बड़ा इजी मॉल सीन, बड़ा परफेक्ट है। तो अब ये हम पकड़ते हैं अपना सूटकेस और निकलते हैं ऊपर को क्योंकि इसमें मुझको पैकिंग करनी है। मैं कैसे उठाऊंगी यार इस बैग को ना, उठाने की एक अपना होती है निंजा टेक्निक कि इसको बेबीज की तरह उठाओ। ये Oh my God! Here you guys can see, ठीक है हम लोगों ने सुबह सुबह जल्दी उठना है और ये सारा माल मैंने इधर रखा हुआ है, यहाँ आधी पैकिंग है, डब्बे उधर निकाले हुए, जूते इधर रखे हुए, आधा सारा सामान जो है वो देखो वो बाहर बिखरा पड़ा है। दिमाग का दही हो रखा है और रात के बज रहे हैं इस वक्त 4 और मुझे इतनी बुरी वाली नींद आ रही है कि मैं बता नहीं सकती और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मैं पैकिंग करूँ। बट आई एम ट्राइंग टू बट मैं कर नहीं पा रही, आई नीड अ हेल्पर। The next day. Good morning everyone. So, आप लोगों ने रात को देखा, कल तो मेरी बिल्कुल हालत गैर हुई थी, पैकिंग करके सांस चढ़ा हुआ था, थक गई थी, सो गई थी, अब उठ गई हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं 10 बजे उठ गई थी, अभी 11 बज रहे हैं, 1 बजे हमारी फ्लाइट है और मैंने अरीब को कॉल कर दी, 10 बजे कॉल कर दी थी, अरीब मैं उठ गई हूँ, आप भी उठ जाए, आपने कहा मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आना तो आप आ जाए, तो अरीब साहब भी रास्ते में होंगे, आते होंगे। पैकिंग शैकिंग मेरी हल्की आज में जो है वो डन हो गई है, हल्की फुल्की डन हुई है, बस कुछ चीजें रह गई है रखने वाली। और आपको एक और अच्छी सी बात बता देती हूँ, खैर आपको बता देती हूँ, अभी तक मैंने अरीब को नहीं बताया, अरीब को मैंने 10 बजे उठा दिया था। गाइस फ्लाइट हमारी जो 1 बजे की थी 4 बजे हो गई और डिले हो गई है, और मुझे खुद अभी पता चला जब मैं रेडी हो गई, मैंने कहा शिट यार नींद पूरी कर लेती 2 घंटे और, खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब जरा थोड़ी बहुत चीजें पैक करूंगी एंड वेट कर रहे हैं हम अरीब साहब का, आते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। लुक हूज हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह, सारा गंदी गंदी यार अरीब, इतना आप पैकिंग करो तो फिर ऐसे हो जाता।
आता है यार, मुझे पैकिंग में हेल्प करने बुलाया। हाँ कर देना ये। वो दोनों तो सो रही हैं अभी तक हैं। यार वो दोनों इसलिए सो रही हैं क्योंकि उन्होंने नहीं जाना। नहीं जाना? हाँ उन्होंने नहीं जाना क्योंकि हमारी फ्लाइट 2 बजे लेट हो गई। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, मुझे उठा के बुला लिया ऊपर से। देखो देखो जिस वक्त मैंने आपको बुलाया था ना उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने आपको कॉल कर दिया खुद भी। देखो मैं भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कोई बात नहीं, नाश्ता नाश्ता करेंगे, नाश्ता वाश्ता करते हैं, पैकिंग शेकिंग करने रही, मेरी हेल्प कराएंगे। यस तो जा रही हूँ वैसे फिर दूर, शादी की तैयारियां करनी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इस बंदी को सारे काम मुझे देके चलेगी कि ये भी करना है आपने, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जल्दी जल्दी जाओ, अच्छा अच्छा काम करके जल्दी जल्दी वापस आओ, फिर हम तैयारियां कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो जी, चलो इसको बंद करो, चलो जल्दी जल्दी। आपको एक बात कहूँ, इसमें मेरा और फातिमा दोनों का सामान है, और ये देखें जरा, फिर मोहतरमा ने फुर्सत ही नहीं की कि मैं अपने सूट के इस बेचारे को बंद कर लूँ। कोई 500 कपड़े रख लिया उसने भी। नाश्ता वाश्ता करते हैं, गाइस हमारा नाश्ता वाश्ता हो गया था और मैंने कपड़े कर लिए चेंज क्योंकि वो कुछ सही नहीं लग रहे थे। पापा ने मुझे कहा कि बेटा कपड़े चेंज करो, ये तुमने एयरपोर्ट पे जाना है कि तुम नींद में उठ के जा रही हो, तो मैंने बिल्कुल नाइट सूट में थी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए। उधर ये मोहतरमा एक अभी उठी है, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं पहले की फ्लाइट लेट है? मैंने पापा को बताया। हाँ मुझे नहीं बताया, मैं उठ के मतलब बैठी हुई हूँ 10 बजे से कि हम लोगों ने निकलना है। इन ये मोहतरमा दोनों नींदे पूरी कर रही थी। पापा अब ऊपर आ गए हैं, अब जो है ना वो सही डांट का पटारा। देखे पापा जिसने ये एक बज गया और अभी तक इसकी पैकिंग नहीं है। मेरा बैग देखे फुल, ये देखे एक का ने भी पैक किया, झूठे मैंने पहले ही दिखाया मैं लोगों को, कितने चलाक हो। ये देखेगा इस हीरा ने ना दुबई में जाने के लिए ना बर्फ मफलर डाला है, दुबई में बर्फ ऊपर डाल दिया। मम्मी भी आ गई है, मम्मा इनको निकालने यार, गर्मी लग रही है पहुंच है मुझे। बहुत गर्मी लगेगी, अगर एयरपोर्ट में जाना भी है वहाँ पे भी गर्मी लगती रहेगी, बहुत गर्मी है। लेकिन प्लेन में सही वाली सर्दी लगती है, पता है हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे तो हम मांग रहे थे, हालांकि गर्मियों में गए थे कि एसी कम कर दे, एसी कम कर दे। हुआ कुछ हुआ कि फातिमा ने अपना लैपटॉप रखना और उसको मैंने ये वाला बैग दिया कि मेरा इतना प्यारा बैग है, तो मैंने तुम्हें दिया ऊपर से तुम मुझे बातें कर रही हो। छोड़ दो यहाँ से, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे रोना आ जाएगा, सब कह रहे हैं पेंडी पहली बार दुबई जा रही है। यार ये बैग अच्छा है यार, तो बैग अच्छा तो सभी था ना, तो पहली बार दुबई जा रही है। किसी ने भी नहीं कहा, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, अपने आप को खुद ही पेंडी पेंडी बोली जा रही है। ये क्या हुआ है, बैग फटा हुआ, आप लोगों का देखा नहीं है? भाई अल्लाह, तो ये तो वो मम्मा जाकेट सारा सामान निकलता होता, चेंज करना पड़ेगा इसको, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सो गाइस फाइनली 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 हम सबका सामान आ गया, बैग शैग शिफ्ट कर लिया था, ये बैग के भी टायर जाम है। ठीक है, फिरा से पापा आईडी कार्ड और पासपोर्ट है, अरीब साहब ने मेरा सामान तो रख दिया, मेरे रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड ने मेरी सारी सामान रख दिया। ओके मम्मी बाय, ज्यादा हमको मिस मत करना, बता देना आपके लिए क्या लेकर आऊं। ठीक है, अरीब आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, ये आपके पास चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, और जो बाकी मेरी बहने अदद उनको निकालने में भी वक्त है, और पापा जो है वो हमें छोड़ने जा रहे हैं, तो मम्मा से हमने पहले मिल लिया। ओके बाय बाय, दुआ करना खैरियत से पहुंच जाए। अब हम लोग निकलने लगे हैं एयरपोर्ट के लिए, ठीक टाइम जो है इस वक्त 2:17 हो गए हैं। पापा की गाड़ी में हीरा और फातिमा बैठेंगे, मुझे मेरे हस्बैंड साहब छोड़ने जाएंगे, और साथ साथ वो अपना काम कर रहे हैं। राबिया और जैनब दोनों से नहीं मिल पाए क्योंकि राबिया सुबह सुबह यूनिवर्सिटी चली गई थी, जैनब जो है वो स्कूल चली गई थी। कोई बात नहीं, उनसे हमने रात को मिल मुल लिया था, फोन पे बात होती रहेगी और उनकी फरमाइश है, अच्छी बात है, मैं अभी नहीं मिलकर जा रही, नहीं तो उन्होंने पता क्या कहना था, आप ही मिलेंगे, आप ही मिलेंगे। अभी बस ये गाड़ियां निकलती हैं, फिर पहुंचते हैं इंशाल्लाह सीधा एयरपोर्ट, लेट्स गो। चलें जी, 3 बजे हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, अरीब साहब मेरा सामान निकालेंगे, यहाँ पापा जो हैं वो दूसरा सामान एडजस्ट कर रहे हैं, हीरा का सामान जो बैग खराब हुआ था, ये लोग निकल रही हैं गाड़ी से। कहते भाई ले लिया आपको, आपको पकड़ लेके आप जा रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, आप डॉक्टर जी, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। आप सर, मैं आपको मिलना है। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आपको देखता रहा, पर इनको तो पहले से देख रहा हूं। अच्छा जी, सुनना तो आपको लगना, इन्होंने अब बनाया है। अरे भाई, ग्रेट बंदा है, कसम से आपकी लाइफ। हां ये ग्रेट बंदा है, दोनों बंदे ग्रेट है। अब भी देखो, कदर नहीं करते हो तुम लोग, देख लो। चलो जी, यहां पे मिलन जुलन शुरू हो चुका है, तीनों साथ इकट्ठे रहना। ओके अल्लाह हाफिज। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ध्यान से आना। ठीक है, चलो ये पकड़ो, चलो अभी सामान अब हमें खुद संभालना पड़ेगा। आर यू एक्साइटेड? यू एक्साइटेड छोटा काका, चित्रों वाला पहली बार जा रहा है। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक है, हम लोग पहुँच गए थे प्लेन में, बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, हमारी बोर्डिंग बड़ी मुश्किल से हुई है क्योंकि हम लेट थे। ठीक है, ये बात हमने पापा को नहीं बताई,
अभी क्योंकि उन्होंने हमें हमारी वाट लगा दी, उन्होंने ना एक घंटा पहले बोर्डिंग बंद कर दी, उन्होंने एक घंटा पहले ही बंद कर दी थी और उन्होंने हमें पहचान लिया था जिसकी वजह से उन्होंने हमें बोर्डिंग दे दी है। नाउ फाइनली वी आर इन प्लेन। ये जो पहली बार दुबई जा रही है फातिमा, एक्साइटेड है आप? प्लेन उड़ने लगा और इस मोहतरमा ने बेल्ट नहीं बांधी है और मारे की तुम्हें फेंटी पट्टी चाहिए, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रही है ना वो सुन लो ध्यान से, तुम्हें किसने कहा था तंबू पहन के आओ? अपनी फैमिली को बहुत मिस करने वाली हूँ, मम्मा पापा को, राबे जैनब को, अरीब को, सबको, और तुम दफा हो रही हो साथ ही मेरे। पापा के लिए हम प्लेन में यही इकट्ठा करते हैं, खाना आ गया गाइस। मेरी नींद पूरी हो गई है, मुझे लग रहा है मुझे बुखार चढ़ गया, मेरा सर और पेट बहुत ज्यादा गर्म। थैंक यू। हमने खाना शाना गाइस खा लिया था, अब ठंड से बुरी हालत हो रही है। तकिया मेरे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी। मेरे दो ब्लैंकेट लिए हैं, एक मेरे हिस्से का भी जो नीचे पहन लिया सारा और एक अपने हिस्से का भी गाइस, क्योंकि मुझे ना बुखार चढ़ गया, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। बोल रही कुछ भी नहीं चढ़ा, बकवास कर रही है, तंग ना करो। इतना गरम उफला, दो रोटी पका लो दफा जाओ। फाइनली हम लोग जो है वो दुबई एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं, और दूसरी बात ये बतानी थी कि उन्होंने बताया कि यहाँ का टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, और तुम मोटे की सोच के बात रहे हैं। पहले आगे आ गई थी ताकि तुम लोगों को रिसीव कर सकूं, ठीक है गाइस। हम लोगों को एयरपोर्ट से लेने आ रहे हैं हमारे चाचू, और उनको हम लोगों ने वैसे मैसेज वगैरह कर दिया था, अभी जाके एयरपोर्ट पे नेट कनेक्ट करेंगे एंड देन वी विल कनेक्ट देम एंड फिर हम लोग आपको बता देंगे आगे क्या हो गया है। अभी फिलहाल निकले हैं, बहुत रक्षा है। हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए और यहाँ हम लोग अपने सामान की तलाश में भटके भटके फिर रहे हैं। वेयर इज आर सूटकेस, वेयर इज आर सूटकेस, वेयर इज आर सूटकेस, लेट्स फाइंड आउट। बट आई थिंक आवर सूटकेसेस आर नॉट हियर। ये कलर था मेरा बट नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नो यहाँ पे नहीं है भाई। बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद सामान तक पहुँचे हैं, तो मेरे ख्याल से घंटा इसी में लग जाता है। एंड आई थिंक आई मिस्ड माय सिम कार्ड, वो पड़ा मिल गया। ओए देखा, इतना मिसप्लेस कर दिया मैंने, जो सिम कार्ड मुझे मिला था और वो मैं गिरा के आ गई हूँ यार। लिटरली अपने अपने पासपोर्ट संभाल के रख लो, और देखो हीरा किधर गई है, पता लगे मेरा हैंड बैग उसके पास, उसने ना घुमा दिया हो कहीं। हमें पता लग गया है हमारी थी लेन नंबर 7, और लेन नंबर 7 से अब हमने कलेक्ट करना है अपना जो है लगेज, और लेन नंबर 5 पे हम आ गए हैं। ये देखो जी लेन नंबर 7, वो बड़ी है। क्या हुआ है? चलो चलो चलो, वेरी गुड, गुड गोइंग, गुड गोइंग। दूर से मुझे मेरा सामान नज़र आ गया, ये रहा मेरा पिंक सूट केस और ये हमारा ग्रे सूट केस, ठीक है। और ये देखो बैग, ये फातिमा के जूते वाला कहाँ बिखरा पड़ा है यार। दिस This, एक मेरून वाला सूटकेस नहीं मिल रहा यार। चलो जी ये मिल गया जी, एक हमारा दूर दूर तक पड़े हुए थे, फाइनली हमारे बैग सारे हो गए हैं यहाँ पे। हिरा यहाँ सब की उन्होंने नाम पकड़ के खड़े हुए हैं, तुम्हारा नाम किसने पकड़ा? बाहर तो नहीं खड़े हुए, हमारे चाचू पता नहीं कहाँ खड़े हुए हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। वो देखें भाई, वो देखें, दूर से हाथ हिलाते हुए मेरे चाचू आ गए हमको लेने के लिए यहाँ पे। ओए होए 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 होए, सबसे पहले मुलाकात तो ये फातिमा से। ओ माय गॉड, ये पहली दफा आई है और यहाँ इसकी मीटिंग चल रही है। ये कौन आया, भूल गई है तू? वाह 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 वाह, मैं तो अभी मिल के गई थी कुछ देर पहले। अस्सलाम वालेकुम, पहुंच गए हम फाइनली दुबई में। आते साथ इस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया यार, ये देखें गाइस, ये बहुत बुरा यहाँ से गिरी है। वो गिरना मैंने कैप्चर नहीं किया, मेरी इंसानियत जाग गई थी क्योंकि मैं इसको उठाने में लग गई थी, इतनी एक्साइटेड थी। वहां से भागती भी आई है, इस बन्नी से टकराई है और यहाँ पे छिपकली की तरह पड़ी हुई थी। इसका लैपटॉप, इसका सिस्टम सब गिरा पड़ा था। और हाथ देखो फातिमा, अब टेटनस के टीके लगवाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये सड़क पे गिरने के टीके होते हैं, वो लगवाना। लैपटॉप पे गिरा तुम्हारे हाथ से? हाँ, लैपटॉप
देखो चेक करो जिंदा है वो नहीं, ठीक है ठीक है, सही है ना। गर्मी रहती है अभी देखो ना पाकिस्तान में मौसम अच्छा है लेकिन ये कि फिर भी मौसम ठीक है इधर अंदर है ना, ये पार्किंग में थोड़ी सी अब्बस है। हम लोग पहुंच गए अपने होटल में, बस अब यहाँ से जाके होटल शटरल की अपनी बुकिंग चेक करते हैं, जाके वहाँ पे थोड़ा फ्रेश होएंगे फिर खाना शाना खाने चलेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है यार। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। हमारा जो है वो चेक इन हो गया, हम लोग पहुंच गए अपने रूम में, अब हम लोग यहाँ पे बस होटल में फ्रेश होएंगे। ये फातिमा तो बस स्ट्रीक्स और स्ट्रीक्स और सिर्फ स्ट्रीक्स चला रही है। अब हम आएंगे फ्रेश फ्रेश फिर खाते हैं, खाना के लिए निकलते हैं। इधर लिफ्ट का शीशा कितना अमेजिंग लगा हुआ है, हम हिरा का वेट कर रहे हैं, उसके पास रूम की कीज है और वो वहाँ बैठ के फुटपाथ पे वेट कर रही है और मैं यहाँ पे लिफ्ट के आगे, क्योंकि लिफ्ट है यार इतनी प्यारी लग रही है। अब ये खुलेगा तो फिर शायद अंदर से हीरा नमूदार होगी। ये भी 6th to 7th फ्लोर पहुंचा, लग सी के यहाँ पे कौन आया, ये देखो ना ओए तुमने तो सही दोनों हीरोइंस की तरह एंट्री की है तुमने तो, इधर बेटा उधर वो देखें। हाँ, ये होती है पावर, दोनों बहनें मेरा इंतजार कर रही हैं। ओह माय गॉड, प्लीज मेरे पास, आई एम द बॉस। चलो जी अब जो है वो हमारा रूम खुलने लगा है और फातिमा मैडम भरपूर कोशिश करते हुए, ग्रीन लाइट होगी, ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से। और मेरा बैग इधर ही रह गया है, इसको पकड़ते हैं और निकलते हैं। चलें जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने कमरे में, सामान हमने लोड करवा लिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा खूबसूरत सा बाथरूम। यहाँ पे जो है ये खूबसूरत सी जलूजी लगी हुई है यार, क्या कमाल है, हर जगह शीशों पे शीशा, शीशे पे शीशा, शीशे पे शीशा, शीशे में केक और इकरा कवच एस्ट्रोलॉजी वाली लाखों में एक। वाव, मुझे बड़ा मजे का लगा यार, रूम शूम मतलब सारा सही माहौल है यार, सही है इधर वजू करने के लिए जगह है। ये जी सिटिंग एरिया, यहाँ पे जो की पढ़ाइयाँ पढ़ाइयाँ तो होनी नहीं है, ये वो है। और ये है जी हमारा सुबह उठ के व्यू नजर आएगा इसका, घड़गंग घड़गंग घड़गंग, खोलेंगे इसको सिम सिम। आई अल्लाह, ये कैसे खुलेगा, ये खुल क्यों नहीं रहा, ये बाहर को खुलता है, ये खुल ही नहीं रहा, नहीं खुल रहा यार। अच्छा ये इससे ज्यादा खुलता ही नहीं है, उन्होंने स्पेस रखी है कि आप एवं पंगे ना लेते हो, बस व्यू एंजॉय करें, हवा के लिए उन्होंने इसको रखा। तुम लोग लैपटॉप बैग नहीं लाए, मेरा कहाँ है लैपटॉप बैग, बेवकूफ इधर से पूछ रही हूँ, नीचे पड़ा हुआ था, मैं तो नहीं, मैं चेक इन करवा रही थी जहाँ तुम लोग बैठे हुए थे, मैंने लैपटॉप बैग और छोटू बैग पड़ा था, किधर है, कोई भी नहीं लाया मैं तो, ये मेरे पास सिर्फ अपना हीरा, मैंने देखा ही नहीं यार, तुम लास्ट पे थी, जाओ अब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हम लोग हो गए थोड़ा सा फ्रेश व्रेश और अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, लेट्स गो। चलें जी गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जगह डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वो मेन्यू डिसाइड करेंगे क्या खाने हैं। सबसे ज्यादा मुझे मेन्यू डिसाइड करनी, मैं अरीब को मिस कर रही हूँ, लास्ट टाइम जब उसके साथ आई थी तो हम लोगों ने बहुत फन किया था, खाया पिया भी बहुत कुछ था, तो अभी जो है वो खुद ऑर्डर करूँ। तो जी गाइस, हमारा खाना आ चुका है, हमारा मेन ये जो हमने यहाँ पे मंगवाया है चिकन पीस विद सॉसेस, साथ में ये शवारमास हैं चिकन पीस और ये सूप, इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे, प्रॉपर यखनी और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये यखनी, टेस्ट तो इनका बहुत ही मज़े का है। हम बाकी खाना शाना खाते हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई है। गाइस, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, अब हम लोग फ्री होके आ गए हैं घर पे, मतलब होटल में, अब थोड़ी सी हम यहाँ पे वॉक करेंगे और रूम में जाकर जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।